गरबा सीखने 27 तारीख से हमारी ट्रेनिंग चालू हुई थी। बच्चे और बड़ों के लिए अलग अलग ग्राउंड बनाए, ये दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं डांस की, गरबा की। इन लोग सारे लोग मिलके 27 तारीख से हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। हम बेमेतरा के कृषि मंडी प्रांगण पर है। यहाँ लगातार 27 तारीख से रास गरबा का जो प्रोग्राम आयोजित होना है, जो बच्चों को जो सिखाया जा रहा है 27 तारीख से लगातार, और नवरात्रि के पहले दिन से ये शुभारंभ होगा और लगातार ये नवरात्रि भर 9 दिन चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो बच्चे जो यहाँ आएंगे या बुजुर्ग जो आएंगे वो जो इनाम के काबिल होंगे, जिनको इनाम भी मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे पूरे यहाँ संचालक और जो सिखाने वाले जो है रास गरबा के बच्चे जो है यहाँ पर सिखाएंगे। हम उनसे बात करेंगे ये कब से चालू होगी और कैसे है ये कार्यक्रम, ये कितने साल से चल रहा है। हमारे साथ संचालक है, पहले हम उनसे बात करेंगे। ये हमारा रास गरबा का तीसरा साल है, मित्र मंडल द्वारा आयोजित ये तीसरा वर्ष है, जिस जो कि मतलब ये गरबा का तीसरा साल है। इसमें पूरे किसी भी वर्ग के सभी गरबा सीखने 27 तारीख से हमारी ट्रेनिंग चालू हुई थी, जो आज समाप्त होने जा रही है। फिर 3 तारीख से कल माता रानी के आराधना में 3 तारीख को सारे इसी ग्राउंड पे गरबा करेंगे। यहाँ पे हमारे तरफ से, मित्र मंडल के तरफ से बच्चों के लिए अलग से ग्राउंड तैयार किया गया है, बड़ों के लिए अलग किया गया है, और एक पारिवारिक माहौल में यहाँ पे गरबा होता है, पारिवारिक वेशभूषा में गरबा किया जाता है। इसके साथ ही बता दूं कि किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पास वास कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ना कोई भेदभाव है, जो भी है सारे लोग के लिए है। और हम पूरे शहरवासी हमें बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं, और बाकी आप इस ग्राउंड पे देख सकते हैं बच्चे बूढ़े सारे लोग एक्साइटेड हैं। हमारे साथ जो ट्रेनर है, और यहाँ निशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो लगातार ये तीसरा साल है और तीसरे साल में काफ़ी अभी देखने भीड़ देखने को मिल रहा है, तो हम ट्रेनर से ही बात करेंगे यहाँ कैसी स्थिति है, क्यों। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बच्चे और बड़ों के लिए अलग अलग ग्राउंड बनाए, ताकि उन्हें अच्छे से कर सके वहाँ पे, और इंटरेस्ट सारे लोग ले रहे हैं सीखने में, और बहुत अच्छा आयोजन किया गया है मित्र मंडल द्वारा। जैसे कि मित्र मंडल के द्वारा यहाँ आयोजन लगातार तीसरे साल से हो रहा है, तो क्या आपका ये तीसरा साल है कि ये। जी, हमारा भी तीसरा ही साल है। हम भी बहुत खुश हैं कि हम 3 साल से यहाँ आ रहे हैं, बच्चों को और बड़ों को ये दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं डांस की, गरबा की, तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ और भी यहाँ ट्रेनर है जो लगातार यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के बीच में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और बच्चों को सिखाने में उनको क्या कैसे महसूस होते हैं। जी, सबसे पहले तो जय माता दी, मेरा नाम मनीष है, मैं वेलेंटिनो डांस क्रू से हूँ। बंटी चाचा द्वारा हमें ये तीसरा वर्ष है जो हमको यहाँ पर इनवाइट करते हैं सिखाने के लिए। यहाँ एक और टीम है हमारी कलीग्स, जो आकाश एंड टीम है। इन लोग सारे लोग मिलके 27 तारीख से हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, छोटे से लेके बड़े सारे वर्ग के हैं, सारे आयु के हैं। सिखाने में ये मज़ा आता है हमको, तो लगता है हमारे लिए गरबा 9 दिनों का नहीं, लगभग 1 महीने का हो जाता है। 15 दिन पहले ही हम तैयार हो जाते हैं, शरद पूर्णिमा तक ये चीज़ चलता है। मित्र मंडल को मैं इसलिए बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, बंटी चाचा एंड टीम को, कि हमको इतने अच्छे आयोजन का एक भाग बनाने के, एक सदस्य के रूप में हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से सिखाते हैं, लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ जितनी सीखते हैं यहाँ राजनांदगांव, या फिर मैं राजनांदगांव से इसलिए राजनांदगांव नाम आ गया, छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी इतनी भीड़ की संख्या नहीं होती जो सीखना चाहती है, लोगों को आता है इसलिए यहाँ तो सीखने भी लोग आते हैं, प्लस 9 दिन जो करते हैं वो भीड़ अल्टीमेट होती है। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो गरबा है वो मित्र मंडल बेमेतरा का होता है, जो मैं 3 वर्षों से देख रहा हूँ। लाइफ का अलग ही और अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है मेरा यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो राजनांदगांव से ट्रेनर आए हुए हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में बेमेतरा का नाम लिया जा रहा है, बेमेतरा में रास गरबा इतनी बहुत बेहतरीन रूप से यहाँ पे किया जाता है, जो 27 तारीख से ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, और नवरात्रि के पहले दिन, ये नवरात्रि के पहले दिन चालू होगा और 9 दिन तक के ये गरबा चलेगा। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।